दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए ताकि हर टैक्स रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों आप में से काफी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आखिर में जियो की जो आईयूसी चार्जेस है, जियो के आईयूसी चार्जेस मतलब 6 पैसा यहां पर जो पर मिनट आपसे चार्ज किया जा रहा है वो हटेगा या नहीं हटेगा। और दोस्तों रिलायंस जियो के 2 नए प्लान आ गए हैं और क्या इसमें भी आपको आईयूसी चार्ज देना पड़ता है या फिर नहीं देना पड़ता है, तो कौन से वो 2 ओल्ड इज गोल्ड वाले प्लान है जो कि रिलायंस जियो ने वापस ला दिया आप कह सकते हो कंपटीशन देने के लिए एयरटेल वोडाफोन आइडिया को, तो सब कुछ जानने के इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एयरटेल वोडाफोन आइडिया की, तो इन दो दोस्तों के इन लोगों ने क्या किया अपना फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग कर दी, मतलब कोई भी अब यहाँ पर ये आईयूसी चार्जेस नहीं लेते हैं इन्होंने, मतलब अपना जो भी किसी भी नेटवर्क पे आप अगर इस ऑपरेटर के यूजर हो एयरटेल वोडाफोन आइडिया के इनमें से किसी के भी ऑपरेटर हो अगर आप यूजर हो तो वहां पर आप किसी भी ऑपरेटर को कॉल कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी आईयूसी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा ये ऐलान कर दिया है। और ये जो स्टार्टिंग की थी रिलायंस जियो ने की थी कि हम यहाँ पर अपने नेटवर्क को सभी मतलब जो लोग हैं उनको फ्री में देंगे कि मतलब किसी भी नेटवर्क पे आप कॉल करिए कोई पैसा आपको अलग से नहीं देना, मतलब फ्री कॉलिंग देंगे, लेकिन बाद में रिलायंस जियो ने ही 6 पैसे लेने स्टार्ट कर दिए और बाकी अदर ऑपरेटर्स ने भी स्टार्ट किए तो फिर बंद कर दिए। तो मतलब बाकी अब एयरटेल वोडाफोन आइडिया काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन रिलायंस जियो यहाँ पर अपने 2 नए प्लान ला चुका है, इसमें देखते हैं कि आईयूसी चार्जेस ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें पहला जो यहाँ पर आप कह सकते हो ओल्ड इज गोल्ड प्लान जो आए हैं वो पहला ओल्ड इज गोल्ड प्लान ये है कि आपका 98 रुपीज़ का प्लान वापस आ गया है जिसमें कि आपको 28 डेज की वैलिडिटी मिलेगी, 28 डेज तक अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी जियो टू जियो में। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो आप कह सकते हो डाटा मिलेगा वो 2 GB ही मिलेगा, 2 GB मिलेगा नॉट अ पर डे ओनली 2 GB, और 300 यहाँ पर SMS मिलेंगे। और बता दूं कि जियो टे जियो तो अनलिमिटेड है लेकिन अगर जियो से अदर ऑपरेटर पे कॉल करोगे तो वहाँ पर आपको आईयूसी मिनट मिल जाते हैं 124 मिनट्स के आईयूसी चार्ज इस प्लान में है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें एक प्लान आया है 149 का ओल्ड इज गोल्ड प्लान, तो यहाँ पर आपका 24 डेज की वैलिडिटी में मिलती है, 300 यहाँ पर आपको बता दूं कि मिनट्स मिल जाते हैं अदर नेटवर्क्स पे जियो टू जियो अनलिमिटेड मिलता है, 1 GB डाटा पर डे मिलता है मतलब 24 डेज की वैलिडिटी और 24 GB डाटा आपको टोटल मिलेगा। उसके बाद आपको बता दें कि 100 SMS मिलेंगे और बस बाकी जियो के अदर जो भी ऑफर्स होते हैं उनके आप कह सकते हो कि बाकी ऐप के सब्सक्रिप्शन इन दोनों प्लान में मिलेंगे। तो ये दोनों प्लान मतलब आप कह सकते हो कि जहाँ पर मटर पनीर बना है वहाँ पर खिचड़ी बना के किसी ने रख दिया है, तो कुछ इसी प्रकार ये प्लान जियो की तरफ से इस समय वेबसाइट पे अवेलेबल है। 149 को चलो जब भी समझ में आता है लेकिन 98 वाला क्या करना चाह रहा है प्लान नहीं पता है। तो ये कुछ प्लान है दोस्तों और इसमें आईयूसी चार्जेस लिया जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ आईयूसी चार्जेस रिलायंस जियो हटाएगा या नहीं हटाएगा, भैया क्वेश्चन है बहुत भरपूर सभी से मतलब लोग पूछ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जियो यहाँ पर आईयूसी चार्जेस हटाने वाला है क्योंकि जियो ने पहले ही कहा था कि जब तक ये ट्राई हनी हटाएगा तब तक हम भी यहाँ पर ये आईयूसी चार्जेस नहीं हटाने वाले हैं। तो मे भी हो सकता है कि रिलायंस जियो की तरफ से शायद ये ना हटाया जाए और मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में हटा भी दिया जाए क्योंकि प्राइस के प्लान तो जो प्लान के जो प्राइस है वो तो बढ़ ही गए, तो एक तरीके से जियो को प्रॉफिट तो होगा ही होगा, तो वो एक तरीके से या तो वैसे प्रॉफिट आज ले लें या तो फिर वो 6 पैसे लेके ले लें, तो बात तो दोनों की सेम ही हो जाती है। लेकिन अभी मुझे जो फिलहाल लग रहा है कि शायद जो ये चीज़ ना हटाए, मतलब 6 पैसा यहाँ पर आपको पर मिनट देना ही पड़ेगा आईयूसी चार्जेस अगर आप जियो यूज़र हो, मुझे ऐसा लगता है। मे बी आज कोई नहीं देख पाएगा, आज अनाउंस हो जाए, कल अनाउंस हो जाए, परसों अनाउंस हो जाए, तो उनके लिए आपको स्टे ट्यून करना पड़ेगा। बाकी अपनी ओपिनियन शेयर करना मत भूलेगा कि क्या आप चाहते हो कि जियो का आईयूसी चार्जेस हटे और क्या आप एयरटेल वोडाफोन आइडिया से खुश हो या नहीं खुश हो। हालांकि मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि भैया अनलिमिटेड कॉलिंग कर दी है इन तीनों ऑपरेटर्स ने रिलायंस जियो को छोड़ के, तो आप कितना सेटिस्फाइड हो एयरटेल वोडाफोन आइडिया से कमेंट करिएगा, क्या जियो की आईयूसी चार्जेस हटने चाहिए या नहीं हटने चाहिए, और अगर नहीं भी हटता है तो क्या जियो आप यूज़ करोगे कि अपने नंबर पोर्ट करा रहे हो। तो मुझे कुछ अपने ओपिनियन शेयर करने हैं, आप शेयर करिए, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, भर दीजिए। दोस्तों अगर आज वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि मैं सुजान टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।